हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज GERD, इसको हार्टबर्न डिसीज या फिर एसिडिटी भी बोलते हैं। ओके, सो जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना हमारी फूड पाइप के थ्रू, फूड पाइप जिसको बोलते हैं इसोफेगस, हमारी बैली में जाता है। ओके, और यहाँ पर फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक मांसपेशी होती है जिसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जब हम खाना खाते हैं तो ये ओपन रहती है और बाद में ये बंद हो जाती है। ओके, पर यहाँ पर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स की कंडीशन में क्या होता है कि ये ओपन ही रहती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस में रिफ्लक्स होता है, इसोफेगस में आता है, तो उसके कारण इसोफेगस की परत है, इसोफेगस की लाइनिंग है, वो डैमेज होती है, इरिटेट होती है, तो उसके कारण सीले में जलन सा महसूस होता है। ओके, इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स या फिर GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ओके, सो ये किन किन कंडीशन में हो सकता है, तो ये हायटस हर्निया की कंडीशन में हो सकता है जो हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो ब्लॉटिंग होती है, ओके, पेट की बैली की ब्लॉटिंग के कारण क्या होता है कि ये जो स्पिंचर है इसके ऊपर प्रेशर आता है और इसके कारण इसका टोन चला जाता है, तो उसके कारण ये खुला रहता है और यहाँ पर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन देखने को मिल सकती है। नाउ अब देखते हैं लक्षण, तो उसमें हमें हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन महसूस होती है और वो गले तक जाती है। ओके ओके, उसके अलावा देखें तो खाने के बाद होती है, बैठने और चलने से ये कम हो जाती है। अगर आप सीधे लेटे हो तब खाना मुंह में आना, ये भी एक लक्षण है GERD का, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज का। अब कैसे पता करें कि ये जो कंडीशन है GERD है या फिर कुछ और, तो उसके लिए हम इसोफेगोस्कोपी करवा सकते हैं। इसोफेगोस्कोपी में क्या होता है कि एंडोस्कोप हमारी फूड पाइप में डालना होता है और इससे हमें पता चल सकता है कि ये इसोफेजाइटिस की कंडीशन है, मतलब इसोफेगस में सूजन है, या फिर इसोफेगस में छाले पड़ चुके हैं, अल्सर बन चुका है, या फिर इसोफेगस का जो ल्यूमेन है वो नैरो बन चुका है, मार्ग जो है वो पतला बन चुका है, स्ट्रिक्चर बन चुका है। उसके अलावा एडेनोकार्सिनोमा की कंडीशन है, ये भी हमें पता चल सकता है बाय द इसोफेगोस्कोपी। उसके अलावा हम बेरियम स्वेलो करा सकते हैं। उसमें क्या होता है, बेरियम लिक्विड को निगलना होता है और उसका एक्सरे निकाल के उसको एग्जामिन करना होता है। उसके अलावा हम 24 आवर इंट्रालुमिनल pH मॉनिटरिंग भी करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रोब होता है, इलेक्ट्रोड वाला प्रोब जिसके ऊपर pH सेंसर होते हैं, उसको 5 सेंटीमीटर एबो, 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर ऐसे निगलते हैं। ओके, ऐसे प्लेस करते हैं और बाद में अगर एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन है तो यहाँ पर एसिड कंटेंट है वो ऊपर की ओर आता है और पीएच में चेंजेस होते हैं, तो इसको हम मॉनिटर करते हैं, तो इसको बोलते हैं 24 आवर इंट्रालुमिनल pH मॉनिटरिंग। उसके अलावा हम मैनोमेट्री भी करवा सकते हैं। मैनोमेट्री में क्या होता है, इसोफेगस में प्रेशर चेक करते हैं। ओके, अगर कोई स्ट्रिक्चर है, मतलब इसोफेगस का ल्यूमेन जो है वो पतला बन चुका है, मतलब इसोफेगस सिकुड़ गई है, तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर मैनोमेट्री में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एचिलेजिया की कंडीशन है, उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द मैनोमेट्री। उसमें क्या होता है एचिलेजिया में, तो उसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो पाता। ओके, डज नॉट रिलैक्स, तो उसके कारण वो मार्ग है, जो इसोफेगस का ल्यूमेन है वो बंद हो जाता है ऐसे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एचिलेजिया। ओके, नाउ अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अगर ये लॉन्ग टर्म कंडीशन रहती है, GERD की कंडीशन लॉन्ग टर्म रहती है, तो उसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें इसोफेजाइटिस देखने को मिल सकता है, मतलब इसोफेगस की सूजन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बिनाइन इसोफेजियल स्ट्रिक्चर देखने को मिल सकता है। उसमें क्या होता है कि तो उसमें इसोफेगस की दीवार है, उसमें फाइब्रोसिस बन जाता है, तो उसके कारण इसोफेगस का ल्यूमेन जो है वो पतला बन जाता है, मतलब नैरो बन जाता है। ओके, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बिनाइन इसोफेजियल स्ट्रिक्चर। उसके अलावा एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा बैरेट इसोफेजियस हो सकता है। बैरेट इसोफेजियस में क्या होता है कि जो हमारे स्क्विमस सेल होते हैं इसोफेगस के, वो कोलुमनर सेल में बन जाते हैं, मेटाप्लाजिया होता है, और ये कंडीशन है वो कैंसर की कंडीशन को आगे, कैंसर की कंडीशन का रिस्क बढ़ाती है। ओके, नाउ उसके अलावा हम देखें तो जो नाइट टाइम में गैस्ट्रिक कंटेंट है वो एस्पायरेशंस होता है, हमारी श्वसन नली में चला जाता है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, तो उसके कारण एस्पायरेशन न्यूमोनिया हो सकता है। मैंने पहले भी न्यूमोनिया के ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उसके अलावा लंग फाइब्रोसिस होता है। लंग फाइब्रोसिस मतलब लंग्स में फाइब्रोस जम जाती है, टिश्यूज बन जाती है, फाइब्रोस टिश्यूज बन जाती है। उसके अलावा कफ की कंडीशन रहती है।
उसके अलावा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब आवाज गिरी बन जाती है उससे। ओके नाउ अब देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें वजन कम करना होता है, उसके अलावा स्मोकिंग अगर आप करते हो तो उसको बंद करना है, उसके अलावा कम खाना है। आप कम क्यों खाना है, अगर आप ज्यादा खाओगे तो जो बैली है इसका बैली फूल जाता है, तो उसके कारण जो स्पिंचर है यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर आता है और ये बंद नहीं हो पाता, तो उसके कारण जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर की ओर आता है और जीईआरडी मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की कंडीशन को करता है। उसके अलावा हम शराब, चाय, कॉफी, चॉकलेट, फैटी खुराक को नहीं लेना है। उसके अलावा खाने के बाद ज्यादा वजन नहीं उठाना है, आगे की ओर नहीं झुकना है। उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एंटीकोलिनर्जिक को अवॉइड करना है। ये जो ड्रग है होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये हार्ट डिजीज की कंडीशन में हाइपरटेंशन इन सब में यूज होती है। उसके अलावा लेट नाइट खाना नहीं खाना है। ओके अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट में आगे, तो उसमें एंटा एसिड ले सकते हैं, उसमें गैविस्कॉन जो है गैविस्कॉन की बॉटल आती है उसको 10 से उसके उसका डोज है 10 से 20 ml आफ्टर मील खाने के बाद और एट नाइट टाइम 10 से 20 ml लेना है। ओके गैविस्कॉन। उसके अलावा म्यूकेन ले सकते हैं आप 5 से 10 ml 3 से 4 बार दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। ओके बिफोर मील खाने से पहले और एट नाइट टाइम सोते समय। ओके उसके अलावा रेनिटिडिन ले सकते हैं आप 150 mg की टैबलेट आती है, दो टाइम ले सकते हैं विथ मील खाने के साथ और एट अ बेड टाइम सोने जाते समय। ओके उसके अलावा फैमोटिडिन ले सकते हैं 20 mg की टैबलेट, दो टाइम ले सकते हैं सुबह शाम। उसके अलावा मेटोक्लोप्रेमाइड ले सकते हैं आप 10 mg की टैबलेट, तीन टाइम। ओके उसके अलावा अगर आपको अगर ये जो कंडीशन है मतलब जीईआरडी की कंडीशन है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या फिर एसिडिटी की कंडीशन है और ये कंडीशन हायटस हर्निया की कंडीशन की वजह से है, तो उसमें हम फंडोप्लिकेशन कर सकते हैं, फंडोप्लिकेशन सर्जरी कर सकते हैं। ओके अब हायटस हर्निया क्या है, मैंने हर्निया के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको वो भी देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब देखते हैं हर्निया, तो मैं यहाँ पर ब्रीफली आपको समझाता हूँ कि हर्निया क्या है। तो हर्निया ये है कि जो हमारी डायाफ्राम है, डायाफ्राम मसल्स है, उसमें हमारा जो स्टमक का पार्ट है वो अंदर की ओर धस जाता है, ऐसे आप इस इमेज में देख सकते हो। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हायटस हर्निया। इसके कारण क्या होता है कि जो इसोफेगस इसोफेजियल स्पिंचर है हमारा, मांसपेशी है जो हमने आगे डिस्कस की लोअर इसोफेजियल स्पिंचर, वो ओपन ही रहता है, तो इसके कारण भी एसिड कंटेंट और जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो सब कुछ यहाँ पर इसोफेगस में आता है और इरिटेशन करता है मतलब जीआईडी की कंडीशन करता है। तो इसमें हम फंडोप्लिकेशन कर सकते हैं। फंडोप्लिकेशन में क्या होता है, जो हमारी स्टमक का ऊपर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं फंडस। ओके उस फंडस को ऐसे इसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है उसके पीछे से ऐसे रैप करके कुछ इस तरह सूचर कर लेते हैं। तो इस सर्जरी को बोलते हैं फंडोप्लिकेशंस। ओके तो आप ये भी कर सकते हैं अगर हायटस हर्निया की कंडीशन है तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।